वीडियो में चेक करते हैं टैबलेट्स को जो कि हमें 10,000 के बजट के अंदर मिलते हैं। देखो 10,000 वाले टैबलेट की एक तो हमें बिल्ड क्वालिटी एकदम ही बढ़िया चाहिए, क्योंकि टैबलेट यार एक ऐसी चीज है जिसे हम काफी हैंडी यूज करते हैं। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई ना तो फिर जल्दी से टूट सकता है वो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेटल बॉडी वाले टैबलेट बताऊंगा, सबकी डिस्प्ले एकदम ही बड़ी एंड बढ़िया होगी। इसी के साथ ही हर एक टैबलेट का जो प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप एंड उनके जो एडिशनल फीचर्स है ना वो भी एकदम ही कमाल के हैं। सिंपली यार मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो टैबलेट्स बताने वाला हूं जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा वर्थ इट है। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स और दी बेस्ट टैबलेट्स अंडर 10,000 रुपीज। तो अपनी वीडियो का सबसे पहला टैबलेट है नोकिया का, नोकिया T10 वाईफाई प्लस 4G वेरिएंट है। 11,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। प्लास्टिक की बैक मिल जाती है, ग्लास फ्रंट है एंड वी ऑल नो कि नोकिया की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज अनबीटेबल। 8 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, 1280x800 पिक्सल्स, 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ ही वाइड 1L1 सपोर्ट मिल जाती है आपको टैबलेट के अंदर एंड साथ में नेटफ्लिक्स HD सर्टिफाइड है। यूनिसॉक T606 प्रोसेसर दिया गया, 8 कोर CPU है, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, 8MP का आपको बैक कैमरा मिल जाता है इस टैबलेट के अंदर एंड 2MP का फ्रंट कैमरा। अब इसका जो कैमरा ना मेन कैमरा उससे हम 1080p 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड साथ में इसका जो सेल्फी कैमरा है उससे 720p। एंड्रॉइड 12 दिया गया, वाईफाई प्लस 4G वेरिएंट है, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा आपको एंड साथ में ब्लूटूथ 5.0। 10 वॉट का चार्जर आपको टैबलेट के साथ मिल जाता है, 50-50 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी एंड नोकिया क्लेम करता है कि एक बार ही चार्ज करने बिना आप इसे पूरे दिन कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो, इसकी बैटरी खत्म नहीं होने वाली। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, AI फेस अनलॉक, IPX2 रेटिंग के साथ ही 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 3 साल की आपको मिल जाती है सिक्योरिटी अपडेट। तो ये टैबलेट आपने जरूर कंसिडर करना है, बहुत बढ़िया टैबलेट है, गो फॉर इट। इसका जो बेस्ट स्पेलिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला टैबलेट आ जाता है मोटोरोला का, मोटोरोला टैब G20। देखो ये जो टैबलेट है ना ये अभी इसी साल लॉन्च हुआ है। देखो इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है ना दैट इज अराउंड 12,000 रुपीज, बट ये टैबलेट आपको इस टाइम पे इजीली 10,000 के अंडर मिल जाएगा। मेटल की बॉडी, 8 इंच की डिस्प्ले, HD प्लस IPS, 1280x800 पिक्सल्स, 350 निट्स की ब्राइटनेस, मीडियाटेक P22T प्रोसेसर दिया गया, 8 कोर CPU ये भी, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज एंड इसकी जो स्टोरेज है ना दैट इज एक्सपेंडेबल। 5MP का बैक कैमरा दिया गया, 2MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। अब इसका जो मेन कैमरा उससे भी हम 1080p 30fps वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उससे हम कर सकते हैं 720p एट 30fps। एंड्रॉइड 11 दिया गया, इसी के साथ ये जो टैबलेट है एंड्रॉइड 12 पे अपडेट हो जाएगा। वाईफाई ओनली टैबलेट है ये, 5100 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, USB-C 10 वॉट का चार्जर आपको टैबलेट के साथ मिल जाता है। तो ये भी टैबलेट आपने जरूर कंसीडर करना, एकदम ही लेटेस्ट टैबलेट है मोटोरोला का, गो फॉर इट। बेस्ट वाली का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला टैब है लिनोवो का, लिनोवो टैब M10। देखो इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है दैट इज अराउंड 12,500 रुपीज, बट ये टैबलेट आपको इस टाइम पे 11,000 के प्राइस पॉइंट पे इजीली मिल जाएगा। मेटल की बॉडी, 10.1 इंचेस की HD IPS डिस्प्ले, 1280x800 पिक्सल्स, ब्राइटनेस की बात करें तो 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले की भी, मीडियाटेक हीलियो P22T प्रोसेसर दिया गया, 8 कोर्स वाला CPU, रैम 3GB, 32GB तक इसकी स्टोरेज है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 256GB, 8MP का बैक कैमरा, 5MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड इसके दोनों कैमरा से मेन एंड फ्रंट दोनों से हम 1080p 30fps वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 10 के साथ ही वाईफाई ओनली टैबलेट है, 10 वॉट का चार्जर मिल जाता है, USB-C, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ ही गूगल किट स्पेस मिल जाती है। तो ये भी टैबलेट आपने जरूर कंसीडर करना है। देखो इसका मैं आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूं, जैसे ये वाला तो टैबलेट था वाईफाई ओनली वेरिएंट, लेकिन लिनोवो का जो टैब M9 है उसका प्राइस 10,000 रुपए है। दोनों के अंदर माइनर से डिफरेंसेस है, वो टैबलेट आपको वाईफाई प्लस 4G वेरिएंट के साथ मिल जाता है, उसके अंदर आपको एंड्रॉइड 12 दिया गया विच इज अपग्रेडेबल टू एंड्रॉइड 13, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। दोनों के बेस्ट स्पेलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला टैबलेट आ गया सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। देखो सैमसंग कंपनी का ये टैबलेट इस टाइम पे सबसे सस्ता टैबलेट है, 12,000 के आसपास आपको ये टैबलेट मिल जाएगा, बट अगर आप इसे डिस्काउंट वगैरह में बाय करते हो ना तो ये टैबलेट आपको इजीली 10,000 के आसपास मिल जाएगा। मेटल की बॉडी मिल जाती है, 8.7 इंच की TFT LCD डिस्प्ले, 1340x800 पिक्सल, 8-bit डिस्प्ले की, मीडियाटेक हीलियो P22T प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर भी, 8 कोर CPU है, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 1TB। इसके अंदर हमें मिल जाता है 8MP का बैक कैमरा, 2MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। मेन कैमरा से हम 1080p 30fps वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 दिया गया टैबलेट के अंदर, वाईफाई प्लस 4G वेरिएंट है ये, तो आपको टैबलेट वो बाय करना चाहिए जिसके अंदर आपको वाईफाई प्लस LTE वेरिएंट मिल रहा हो, जैसे कि ये है वाईफाई प्लस 4G। USB-C 15 वॉट की अडैप्टिव फास्ट चार्जिंग को ये टैबलेट सपोर्ट करता है, 5100 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया टैबलेट के अंदर। तो ये भी टैबलेट एक्चुअल में काफी बढ़िया, सैमसंग का टैबलेट है, गो फॉर इट।
अगला टैबलेट आ गया ऑनर का, ऑनर पैड एक्स 8। 10,000 रुपए का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। मेटल की बॉडी, 10.1 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, 1920x1200 पिक्सल्स, 8-bit डिस्प्ले इसकी, 80% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ ही इसके अंदर हमें MediaTek MT8786 प्रोसेसर दिया गया G80, 8-core CPU है भी। 3GB रैम, 32GB इसकी स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल की बात करें तो 512GB तक इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। 5MP का बैक कैमरा, 2MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड इसका जो मेन कैमरा है हम उससे 1080p 30fps वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 12 दिया गया, वाईफाई टैबलेट है ये भी। 5100mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही इसके अंदर आपको USB-C मिल जाती है एंड 10W का चार्जर आपको टैबलेट के साथ मिल जाएगा। तो ये भी टैबलेट आपने जरूर कंसीडर करना है। इसका भी जो बेस्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगला टैबलेट आ गया रियलमी का, रियलमी पैड मिनी। देखो ये जो टैबलेट है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पे वन ऑफ दी बेस्ट टैबलेट है आपके लिए। बट इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा, बट टोटली वर्थ इट है। 13,000 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट वगैरह में 12,000 के आसपास इजीली मिल जाएगा आपको ये। मेटल की बॉडी, 8.7 इंचेस की LCD, 8-bit डिस्प्ले मिल जाती है टैबलेट के अंदर। यूनिसॉक T616 प्रोसेसर दिया गया, 8-core CPU भी। इसके अंदर आपको मिल जाती है 4GB की रैम। देखो अभी तक के जितने भी हमने टैबलेट इस वीडियो के अंदर देखे है ना, उन सबके अंदर आपको सिर्फ 3GB की रैम मिल रही थी, बट इसके अंदर आपको मिल रही है 4GB की रैम। स्टोरेज की बात करें 64GB तक इसकी स्टोरेज है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 1TB। 8MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा, मेन कैमरा से हम 1080p 30fps वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 दिया गया टैबलेट के अंदर, वाईफाई ओनली टैबलेट है ये। 6400mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, USB-C, 18W का चार्जर आपको टैबलेट के साथ मिल जाएगा। MicroSD कार्ड स्लॉट के साथ ही रिवर्स चार्जिंग को टैबलेट सपोर्ट करता है। सिंपल चीज है कि ये टैबलेट आपके लिए वन ऑफ द परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है जिसके स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट वो आपको वाईफाई प्लस 4G वेरिएंट मिल जाएगा। तो अगर आपने वाईफाई प्लस LTE वेरिएंट बाय करना है उसका भी ऑप्शन आपको रियलमी पैड मिनी के साथ, एंड अगर आपने ओनली वाईफाई वेरिएंट बाय करना है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया। दोनों के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो या दीज आर दी बेस्ट टैबलेट्स अंडर 10,000 रुपीज इन 2023। देखो सिंपल चीज है कि जो भी टैबलेट आपको 10,000 के बजट के अंदर सबसे बेस्ट मिलते हैं ना मार्केट के अंदर, वो सारे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको जो भी टैबलेट इनमें से बढ़िया लगता है जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। That's all for this video guys. Video अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। Don't forget to subscribe to our channel guys. Thanks for watching the video. Peace out.